को पानी पिला दे, जैसे चुन्नू सबके बाप का नौकर है। चुन्नू आया बापू आया, मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ। से कह दे हम सब यहाँ रुक जाएंगे। उनसे क्या कहना, मुझे तो रुकना भी तेरे साथ और चलना भी तेरे साथ और मरना भी मेरे साथ। मर के देख मरती हूँ या नहीं। मैं क्या पागल हूँ जो मरूं? मैंने कब कहा, मैं तो तेरी जिंदगी चाहती हूँ। जिंदगी चाहती है तो काम कर। हाँ हाँ, बोल क्या करूँ। चुप रहने की मेहरबानी कर। चुप कैसे रहूं? क्यों? मेरा मन कहता है माधो से बात किए जा, माधो का नाम लिए जा, माधो का भजन किए जा, माधो का जाप किए जा, माधो का, माधो का। अरे कहीं ठहर तो। हाँ, क्या? चुप रहने का क्या लेगी? बस मेरे साथ बात किए जा। धत तेरे की, सारी रात रोए और एक ही मरा और सवेरे को वो भी उठकर भाग गया। चंपा, ओ चंपा। कहाँ चली गई थी बेटी? इस बावड़ी को देखने आई थी। कितनी बड़ी है बावड़ी। किसी जमाने में नहर बहा करती थी इस बावड़ी में से। हाँ, हाँ, सारा गांव सिंचाई किया करता था। अब तो पानी नहीं उसमें, एकदम सूखी पड़ी है। वो क्या, सारे गांव की जिंदगी सूखी पड़ी है, पानी नहीं मिलता खेती को। फिर जीते कैसे होंगे इस गाँव के आदमी? अरे हम जो बादल बन के आते हैं, 8 आने बरसाते हैं, 12 आने लेते हैं। मुंह बंद कर चुनू। चुनू बोलता ही कब है? पगली कहीं की, अरे हजारों रुपए लगते हैं उसका बनवाने में, और पानी आ गया तो लाखों डूब जाएंगे लाखा के, फिर कौन लेगा इनसे रुपया? तू अपना काम कर चुनू। चुनू बोलता ही कब है? माधो सामान उतराओ बेटा। अच्छा काका। ना मैं उतार दूँ, बहुत बोझ है। तू रहने दे, उतार दूंगा मैं। छाती फट जाएगी। तब तू सी देना। वो क्या कपड़ा है जो सी दूंगी, चल हट एक तरफ से। अरे कह तो दिया मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए तेरा सहारा। चंपा तू मुझे बोझ उठाने देगी या नहीं? यही तो कर रही हूँ। क्या कर रही है? तेरा बोझा उठा रही हूँ। कब तक उठाएगी मेरा बोझा? जब तक जीऊंगी, जिंदगी भर। जिंदगी भर जा मर। आज मेरा मन बोले रे, दिल के बहार रे।
क्या हो गया? मेरी चूड़ी तोड़ दी किसी ने। चूड़ी तोड़ दी? मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। उस लड़की ने तोड़ी है तेरी चूड़ी। अब भी लेता हूँ इसकी खबर। रहने दे माधव, इस कांच की चूड़ी का क्या काम? मेरी चूड़ी तो तू है। मैं इसकी चूड़ी तोड़ के रहूंगा। बहुत अच्छी बांसुरी बजाती हो। बहरा है क्या? कौन है तू? जादू है तुम्हारी बांसुरी। पागल तो नहीं है? हाँ तो नहीं, हो गया। बकवास करेगा तो जबान खींच लूंगी। बहुत बुरी हूँ मैं यहाँ। लगती तो बहुत अच्छी हो। अरे ये तो सचमुच पागल है। कौन है रे तू? नीचे उतर, अभी बताता हूँ। हाँ तो पागल नहीं है क्या? बताएगा तू? मैं अभी अच्छी हूँ। बोल क्या कहता है? चूड़ी क्यों तोड़ी? चूड़ी? तू चूड़ी पहनता है? मैं तो इसे मर समझती थी। राजू आज फिर तेरी गाय जा पहुंची है मेरे खेत में। तो गाय से कह मैं तो नहीं जा पहुंची। तू वहां पहुंचे तो मेरी तकदीर न खुल जाए राजू। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये लो कौन? जाने कौन है, एक चूड़ी के लिए रो रहा है। रोने हंसने का तो पता लग जा, तेरी चूड़ी को तोड़ दे। मेरी चूड़ी तोड़ दे? खून पी जाऊंगी उसका। चंपा पी जा इसका खून। बड़ा कड़वा है इसका खून। विदा। बहन अगर मैंने तेरी चूड़ी तोड़ी है तो खुशी से तू मेरा खून पी सकती है। औरत खून पिया नहीं करती, पिलाया करती है। चल माधव। चल। खैर मैंने तेरी सुहाग चूड़ी तोड़कर बहुत बड़ा कसूर किया है। वो तो ऐसे ही चूड़ी थी। सुहाग चूड़ी तो पहननी है अभी। किससे? ये तो पागल है पागल। और तू अकलमंद है? हाँ ले अकलमंद, ये चूड़ी पहना दे इसे। मैं क्यों पहना दूं इसे? और क्या, मैं पहना दूं इसे? अगर मैं लड़का होती तो इसे चूड़ी पहनाती। चूड़ी के लिए इतना झगड़ा, मैं पहना दूं चूड़ी? जानता है चूड़ी पहनाने का मतलब? बेशरम कहेगी या भागे? जाता हूं। ले चूड़ी पहना दे। मैं चूड़ी नहीं पहनाऊंगा। क्यों, कुंवारा रहेगा? इसका अभी मैंने फैसला नहीं किया। लेकिन ये तो फैसला कर चुकी है तेरे साथ शादी करने का। इसकी शादी का अख्तियार इसके बापू को है, इसको नहीं। समझ गई। ला चंपा मैं पहना दूं। तेरी चूड़ी तुझे सलामत रहे बहन, मैं नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं पहनेगी? मेरे हाथ से टूटी है तेरी चूड़ी, पहना कर ही रहूंगी मैं। औरत चूड़ी पहना करती है, पहना या नहीं करती? औरत चूड़ी पहनती है पति के लिए और पहनाती है कुर्बानी के लिए। ले हाथ दे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी कुर्बान कर दूंगी तुझ पर, जो मेरे हाथ में चूड़ी पहनाएगा। मैं इस चूड़ी को तुम्हारी अमानत समझ कर रखूंगी। इसकी रक्षा के लिए मैं अपना बलिदान भी कर दूंगी। राई, राजू को समझा देना वरना अच्छा नहीं होगा। तू रोज आके यही कहता है, क्या हुआ? आज उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। तू जाता ही क्यों है उसके रास्ते में? इसलिए कि उसका और मेरा रास्ता एक। तूने उसकी शादी का मुझसे वायदा किया है? वादा तोड़ थोड़ी रही हूँ। वो तो तोड़ रही है। गैरों से मेल और मुझसे वह,
आज अपनी चूड़ी पहना रही थी उसे। हाँ, तुझे भी पहना दो। देख लो ताई, फिर दी गाली। किसे पहना रही थी चूड़ी? चंपा को। उसकी चूड़ी टूट गई थी मेरे हाथ से। अपनी ही तो चूड़ी पहने, तेरे बाप की तो नहीं पहना थी। राजू, मेरे बाप तक न पहुंच। तो भी मुझ तक न पहुंच। अरे अरे, कौन है ये चंपा? बंजारे की लड़की। लाखा बंजारा आया है क्या? ताई मुझे क्या मालूम, लाखा है क्या हजारा। बापू आया बापू। राम राम चौधरी। राम राम। क्यों भाई, कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों गोविंद, आपका कोई बंदोबस्त किया ना? मालिक, जब से बावड़ी में पानी आना बंद हुआ, हाथ पांव कट गए हमारे। पैदाइश ही नहीं होती, कहां से रुपया दे? रुपया लेते वक्त भी तो बावड़ी में पानी नहीं था। चुप रह जाओ। चुन्नू बोलता ही काम है लाखा बापू। गोविंद, अब के मैं ठहर नहीं सकता। घर बेचो या खेत बेचो, मुझे तो रुपया चाहिए। रुपया तो हम ब्याज के साथ दे देंगे लाख। लाओ लाओ। मगर ऐसा काम करो कि तुम्हारे रुपये भी मिल जाए और हम सब जिंदा भी रह जाए। उस बावड़ी को बनवा दो। लक्ष्मण ठीक कहता है बापू। मुझे बावले कुत्ते ने नहीं काटा जो बावड़ी बनवा दो। याद आके रुपये का इंतजाम करो, आपके लेके ही जाऊंगा। जाओ। राम राम। आज बावड़ी, आज बावड़ी खुदवाने को कहते हैं, कल को समुंदर खुदवाने को कहेंगे। क्यों बापू? चुप रहो। बोलता ही कब है बापू। बावड़ी बनवा दो। कहो भाई लाखा, कैसे हो? राम राम चौधरी। राम राम। राम राम। बहुत दिनों के बाद आए हूँ। हाँ भाई, पूरे 5 बरस के बाद आया हूँ। चंपा, ओ चंपा। आई बापू। चंपा भी आई है? हाँ हाँ, याद है उसकी? क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो आ गई। अरे इतनी बड़ी हो गई, इतनी सी देखी थी मैंने। चंपा, ये अपने जुम्मन चौधरी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। याद है चौधरी, कितनी जोर से खींची थी इसने तुम्हारी मूछें। नहीं, इस साल कर दूंगा। देखा कोई छोकरा? घर में ही है छोकरा, मेरे दोस्त सुखन का लड़का माधो। माधो, जल्दी चल माधो, बड़ी मजे की बात है, बड़ी खुशी की बात है। तू ही सुन, मुझे जरा आराम करने दे। ओहो चल तो सही, सुनेगा तो बल्लियां उछलने लगेगा, पैर भी नहीं रखेगा जमीन पर। पैर तो मेरे अभी नहीं है जमीन पर। क्या भाग्य? अच्छी बात है, कहेगा तो भी नहीं सुनाने की। सुखन के मरने के बाद माधव को अपने बच्चे की तरह पाला है मैंने। वाह लाखा वाह, दोस्ती का हक अदा कर दिया तूने। माधव बड़ा हो गया, चंपा भी सियानी हो गई, दोनों की शादी कर दूंगा, बस मेरा काम खत्म। अच्छा मैं चलता हूँ लाखा। अच्छा चौधरी। राम राम। राम राम। अब माधव बड़ा हो गया, चंपा भी सियानी हो गई, दोनों की शादी कर दूंगा, बस मेरा काम खत्म। ना जाने ये सितारे आज मेरे सपने।
किसी ने रंग डारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे। पानी पिला लाऊं तुझे। क्यों? आज भी कुछ तोड़ दिया मैंने? आज? आज तूने दिल तोड़ दिया मेरा। क्या कहा? कुछ नहीं। ये बांसुरी क्यों बंद कर दी तूने? बांसुरी क्यों बंद कर दिया तूने? मेरी मर्जी। कभी दूसरे की मर्जी भी रखनी चाहिए। तू बड़ी रखता है दूसरे की मर्जी। कल चंपा को चूड़ी पहना देता तो क्या बिगड़ता? कुछ नहीं बिगड़ता। क्या बिगड़ता? तो ला तुझे पहना दूं। दे हाँ। खबरदार जो ऐसी बात की मुझसे। क्यों? अब तेरा क्या बिगड़ जाएगा? जानता है चूड़ी किसे पहना करते हैं? जानता हूँ, इसीलिए तो चूड़ी नहीं पहनाई। लेकिन वो तुझे प्यार करती है ना, तो इसीलिए चूड़ी पहना दूं। इसका मतलब ये है कि लड़की जिसे प्यार करे उससे चूड़ी पहने, और लड़का जिस लड़की को प्यार करे उसे चूड़ी पहनाए। तो ला फिर दे अपना हाथ। सर फोड़ दूंगी जो ऐसी बात कहे। और मैं भी सर फोड़ दूंगा जो चंपा को चूड़ी पहनाने की बात कहे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है पहना या मत पहना। चल लक्ष्मी चल पानी पिलाऊं तुझे। चल मोती चल पानी पिलाऊं तुझे। अरे तू कहां आ रहा है? अरे तू कहां जा रही है? गाय को पानी पिलाने। कुत्ते को पानी पिलाने। मोती चल बेटा पानी पीने चलेंगे। आ जा लक्ष्मी जा पानी पी के आ।
जा बेटा मोती, तू भी पानी पी के आ। जैसी है मेरी आवाज? अरे उसकी आवाज ज्यादा मीठी है, जा उसके सुर में सुर मिला। लेकिन मैं तो तेरे सुर में सुर मिलाने आया हूँ। सुर मिला उस बंजारे की छोकरी से। मैं तो इस ग्वालिन की छोकरी से मिलाने आया हूँ सुर। ओ ग्वालन क्यों मेरा मन तेरी चितवन ले गई, ओ ग्वालन क्यों मेरा मन तेरी चितवन ले गई। बांसुरी की तान प्यारी बेकरारी दे गई, बांसुरी की तान प्यारी बेकरारी दे गई। ये अदा ये गोलपन ये गाल पर जुल्फों की घटा, ये अदा ये बोलपन ये गाल पर जुल्फों की घटा। अब किसी को क्या बताऊं, अब किसी को क्या बताऊं, क्यों मेरा दिल है खो गया। ये उमरिया ये नजरिया दिल को धड़कन दे गई, ओ ग्वालन क्यों मेरा मन तेरी चितवन ले गई। ये गुलाबी होंठ जैसे पाखड़ी सी है फूल की, ये गुलाबी होंठ जैसे पाखड़ी सी है फूल की। आप अपना चैन खोया, आप अपना चैन खोया, देख कर ये क्या भूल की। दर्द न्यारा प्यारा प्यारा प्रीत पापन दे गई, ओ ग्वालन क्यों मेरा मन तेरी चितवन ले गई। बांसुरी की तान प्यारी बेकरारी दे गई। किसे ढूंढ रही हो? राजू को? माधो को। माधो? माधो यहाँ आएगा तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। माधो, राजू, राजू, thank you.
बच्चों लोगों को छुट्टी दिलाई होगी इस दुनिया से। मुझे भी छुट्टी दिला दो नागराज, मेरी तरफ देखो नागराज, मेरी तरफ देखो नागराज, मुझे भी छुट्टी दिला दो इस दुनिया से। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मेरी बिट्टी सुनो नागराज, मैं मरना चाहता हूँ। नागराज, मैं मरना चाहता हूँ नागराज, नहीं नहीं दूर रहो नागराज, मैं तंग आ गया हूँ इस दुनिया से। बड़ी बेरहम है दुनिया और बड़े बेदर्द लोग हैं इसमें नागराज, मैं ऐसी दुनिया में हर किसी नहीं रहना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ राजू, छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों मरना चाहता है बताऊँ? तू मेरा सर तो नहीं छोड़ देगी? बता तो सही। इसलिए कोई मुझे प्यार नहीं करता। चंपा तो करती है। वो तो गलती करती है। मतलब ये कि चंपा के बापू ने मुझे बेटे की तरह पाला है। हम दोनों एक ही डाली के फूल ना सही, फिर भी एक ही माली ने हम दोनों को सींचा है, बड़ा किया है। अगर चंपा के बापू उससे तेरी शादी करना चाहे तो? अरे इसीलिए तो मरना चाहता हूँ राजू, बचा मत बचाना मुझे। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहा? बस मरने के लिए जा रहा। अरे पागल तो नहीं? नहीं मरने देगी मुझे? नहीं। आप नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ूंगी। सच कहती है? हाँ हाँ सच सच कहती हूँ, नहीं छोड़ूंगी। मैं भी नहीं छोड़ूंगा राजू। भगवान ने खैर की राजू। लेकिन माधव झूठ क्या सब बदला लिए बिना नहीं रहता। अरे ये क्या बदला लेगा, अब किसी दिन सामने पड़ा तो खत्म कर दूंगा। आ चल। कहाँ चला गया था? नाने मैं दुनिया भर में ढूंढ आई। हो थोड़े गया था, यही तो डर लगता है। मैं बच्चा नहीं जवान हूँ, इसीलिए तो डर लगता है। तू जरूर पागल हो जाएगी। यही तो डर लगता है मुझे, यही तो डर लगता है, यही तो डर लगता है। और कोई बात नहीं करने को? तू बात ही कहाँ करता है। ए देख मोर कूक रहा है। कूकने दे, मेरा मोर तो गूंगा है, जी भी नहीं जैसे मुंह में। कौन है तेरा मोर? ए जैसे जानता ही नहीं। मैं हूं तेरा मोर। मुझसे क्या पूछता है चंपा? ऐसी बात न किया कर मुझसे। तो और किससे करूं? काका से पूछ। बापू तो परसों कह रहे थे चौधरी से, और तू खुद क्यों नहीं पूछता? मैंने उनसे उस दिन पूछा था जब मेरा बाप मरा था। क्या कह रहे थे बापू? कहा नहीं, हम दोनों को एक कटोरे में दूध पिलाकर वो नाता जोड़ दिया जिसे भगवान बनाते हैं। यही तो कह रहे थे बापू। सच? चंपा माधव माधव क्या करता है? माधव माधव ऊपर जाके, माधव 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 माधव। बुद्धन वल्द खचेड़ू 40 रुपए हैं, 14 बरस हो गए। बुद्धन? हाँ वो तो मर गया, उसकी बेवा है, रुपया ना दे तो जो मिले उठा लाना। अच्छा काका। चुन्नू सबके नाम याद है ना? चुन्नू भूलता ही कब है बापू, सबके नाम जुबान पर लिख रखे हैं। तो जाओ देखो माधव, किसी पर दया माया दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है काका, जाओ भाई चले। माधो चुन्नू मैं अभी आया पानी पीकर, तू चल। कोस चला नहीं और प्यास लग गई।
क्यों आया? वाह, पहले बुलाना और फिर पूछना क्यों आया। कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? तेरे गांव जा रहा था। क्यों? वो आई कर। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। हमारे घर जरूर आना, पीपल का पेड़ है हमारे आंगन में। अच्छी बात है, दर्पण पिला दे। अच्छा बनाओ। अरे डालना पानी? डालते रही हूँ। बस ही गए तेरा ढंग, तू प्यासा ही रखेगी मुझे। मैं तो अपना खून भी पिला दूंगी तुझे। पानी तो पिलाया नहीं, खून पिला देगी मुझे। पानी खत्म हो गया, तू बैठ, मैं अभी पानी लाती हूँ। मुझे बहुत देर हो रही है राजू। अच्छा तू गाँव चल, मैं पानी लाती हूँ। अच्छा हमारे घर ही पीना कर। जब तक तू नहीं पिलाएगी मैं प्यासा ही रहूंगा। आहा, पानी भरने गई दिख नहीं रहा। जब बोलेगी फुनकार कर। अरे कभी तो प्यार के दो बोल बोल दिया कर। तेरा मुंह फूंक दूंगी किसने के। मन तो फूंक ही रखा है, मुंह भी फूंक देना। ला थोड़ा सा पानी तो पिला दे अपने हाथों से। थोड़े ही नदी पानी पी या डूब के मर। मरूंगा तो तुझे लेकर मरूंगा राजू। मुझे क्यों मुए? अपनी माँ को लेकर मर। मेरी माँ तो तेरी माँ को लेकर मरेगी राजू, और तेरा हाथ मेरे हाथ में सौंप जाएगी। देख विदा, मुझसे मत उलझा कर। हजारों बार कह चुके मुझसे मत उलझा कर। मैं कहाँ उलझ रहा हूँ राजू, ये तो मेरा दिल उलझ रहा है, और वो भी तेरे इन लंबे लंबे बालों में, तेरी इन कटीली आंखों में, तेरी इन रसीली बातों में। मैं तेरी और तेरे दिल के टुकड़े कर दूंगी। अच्छा चल आज यही फैसला कर लेता हूँ तेरी माँ से, कि अब इन दिल के टुकड़ों को कब जोड़ेगी। दूध में धो धो के दूंगी भैया तुम्हारे रुपए। तुम कीचड़ में सने दे दो मैया, पर रुपए दे दो। फसल पकी खड़ी है, बिकते ही दे दूंगी। फसल तो हर साल पकती है और हर साल बिकती है। 14 साल हो गए, आज तो रुपए लेकर ही जाऊंगा। तेरी जवानी की कसम बेटा, घर में एक भी रुपया नहीं। तो बैल दे दो। तो फिर हम खेती कैसे करेंगे? ये तो हमारे माँ बाप है। तो फिर गाय दे दो। गाय तो हमारी जीवन डोरी है। बैल माँ बाप है, गाय जीवन डोरी है, और हमारा रुपया कुछ नहीं। वाह काले, खोले गए। अच्छा। ना भैया, हमारी गाय खोलो। क्या है माँ, ये गाय क्यों खोल रही है? कर्जे में 40 लिए थे तेरे बाप ने लाखा से, जो पैर लेने आई हो। काका ने भेजा है। जो पैर नहीं मिले तो गाय ले जाओगे? उन्होंने यही कहा है। मैं तो समझी थी पानी पीने आया है। बुझा ले अपनी, ले जा गाय खोल कर। काले खोल दे गाय। चलती नहीं है ना। मुझे मार, उसे मत मार। तुझे मारने से ये थोड़े चलेगी। हाँ। तो फिर तू ही खोल देना। लक्ष्मी, तूने जोतने को बैल दिया, पीने को दूध दिया, अब हमारा कर्जा भी उतार चले। चल लक्ष्मी, अब तेरा अंजल उठ गया है मेरे घर से। काले छोड़ दे, नहीं चाहिएगा। सुनो चलो घर चले। उन्हें क्या जवाब देंगे? याद है क्या कहा था काका ने, किसी पे दया माया दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, जुल्म करने की जरूरत है। राजू मैं मजबूर हूँ, ये काका का हुक्म है। 40 रुपया के लिए 70 रुपया मान लेना जुल्म नहीं तो क्या है? 70 रुपए कौन कहता है? 40 रुपए और 14 बरस का ब्याज। ज्यादा बातें ना कर मुझसे, गाय लेने आया है ले जा। अच्छी बात है, तो फिर लेकर ही जाऊंगा। खोल देगा।
बंजारों के दिल में तो जरा दया माया नहीं है ताई। मेरा भी एक बैल ले गए हैं पट्टे। मुफ्त थोड़ा ही ले गए? हाँ भैया, लेनदार तो वसूल करता ही है किसी न किसी तरह। पर तू फिक्र मत कर राजू, तेरी गाय को तो छुड़ा कर ही लाऊंगा मैं। बस रुपए का इंतजाम कर रहा हूँ। तू अपने बैले को छुड़ाने का इंतजाम कर। चल माँ, रोटी खा ले, दोपहर में नहीं खाई तूने। चल माँ। हाँ हाँ ताई, रोटी खा ले, कल को ही ले आऊंगा तेरी गाय। माधु, ए माधु, माधु, ए माधु, राजू, राजू, मैं जानता था तू जरूर आएगी। बहुत अच्छा किया तूने, आ बैठ ना। मैं तेरे लिए नहीं आई, ये गाय भाग गई थी, इसे लौटाने आई थी। संभाल अपनी गाय। ये गाय तो चंपा की है। तू ही था हमारे घर लाठी लेकर आया था, तो अभी तो सांप और बिच्छू की बोली बोल रहा था। राजू, वो मैं नहीं बोल रहा था, काका बोल रहे थे। उनके एहसानों से दबा हुआ मेरा फर्ज बोल रहा था। बेटा बाप का कहना टाल सकता है, मगर मुझ जैसा बेसहारा अपने को सहारा देने वाले के सामने सर नहीं उठा सकता। काका मेरे लिए बाप से भी बढ़कर है। राजू, मैं उन्हीं के कहने से तेरी गाय ले आया था। राजू, मुझे मालूम नहीं था ये तेरी गाय है। मैं इसे तुझे देती हूँ, ले जा। हम करीब है मगर भिखारी नहीं, मैं इसे मांगने नहीं लौटाने आई हूँ। लेकिन मैं तुझे लौटा रही हूँ। ले भी जा राजा, चंपा खुशी से दे रही। लेकिन ये एहसान क्यों? इसलिए कि तू मुझ पर एहसान करे। बुराई क्या की है मैंने तेरे साथ? भलाई की उम्मीद है मुझे तुझे। ले जा गाय को। गाय तो ले ही जाऊंगी मगर मुफ्त नहीं। मुझे रुपया नहीं चाहिए और मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं दया नहीं कर रही राजू, मिन्नत कर रही। अच्छा ऐसा कर, तू इसे ले जा, मैं इसके बदले तुझसे और कुछ मांग लूंगी। चंपा, तू बड़े बाप की बेटी है, सब कुछ दे सकती है, मगर राजू भीख मांगी नहीं। उसका हाथ यूं नहीं फलता, यूं रहता है। मांग, क्या मांगती है? राजू देगी। मुझे यकीन है जब जरूरत समझूंगी मांग लूंगी। अब तू मेरे कहने से लक्ष्मी को ले जा। राजू, तू ये मेरी कसम है, अब तू इसे ले जा। तूने कसम खिला दी इसलिए ले जा रही। चंपा, तू जो मांगेगी मैं दूंगी, कभी भी। चल लक्ष्मी। चंपा, मैं अभी आया राजू को छोड़कर। राजू, राजू जरा ठहर, मैं तुझे घर छोड़ा। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। लक्ष्मी, बहुत तकलीफ दी मैंने तुझे। ले तो आया मैं तुझे, लेकिन जी बहुत ही दुखी हुआ तेरी कसम। अरे क्या बकवास कर रहा है? माफी मांग रहा हूँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दिया ना। पर लक्ष्मी कैसे जवाब देगी? अरे हाँ, मैं भी कैसा पागल हूँ। राजू, तू इसकी तरफ से मुझे माफ कर दे। राजू, मैं सब बहुत मजबूर था, माफ कर दे। अच्छा बोल लक्ष्मी, क्या जवाब दूँ मैं? वो कहती है बहुत नाराज हूँ मैं। अरे इसीलिए तो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। अच्छा तो लक्ष्मी माफ कर दे। जा जा, माफ कर दिया, माफ कर दिया।
वीरा, तू बहुत मौके पर आया। वीरा हमेशा ही मौके पर पहुंचता है। सुना है बंजारे आजकल बड़ी खैरात कर रहे हैं। खैरात? कैसी खैरात? यही, किसी को दिल, किसी को गाय। तुझे क्या चाहिए? जवाब मिलेगा। क्या समझ रखा है तूने राजू को? ये तू समझाने पर भी नहीं समझ सकता। मैं समझता भी हूँ और समझा भी सकता हूँ। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो हो जा तैयार, खबरदार। लाठी उठाने से पहले उसका अंजाम सोच ले। तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े नहीं, एक गरीब लड़की की इज्जत के चिथड़े, उसकी बदनामी। उसकी बदनामी का ख्याल है? यही ख्याल तो मेरी लाठी को रोके हुए है। क्या है माधो? कुछ नहीं काका, ये वीरा। ओ, मोगा का लड़का? क्यों भाई, खैर तो है? खैर भी है और खबर भी है। कैसी खबर? मुंह देख कर लेन देन चल रहा है लाखा के यहाँ। मैं समझा नहीं। लड़कियों से रुपया नहीं लेते और गाय लौटा देते। तो तू भी लड़की बन के आया बैल लेने? लगा, मैं मर्द हूँ और मर्द की तरह से आया हूँ। ये लो अपना रुपया, लाओ मेरा बैल। शाबाश शाबाश, वो बन गया तेरा बैल, जा ले जा। अच्छी है ये तस्वीर। मैं तो इसको भी बेचाऊं। वाह, बड़े शौक से खरीदी है मैंने। किसकी है? माधु की। मेरी? देखो देखो। देख। देख चंपा, ऐसा मजाक नहीं किया कर। मजाक कैसे? मेरी आंखों में भी माधव और इस तस्वीर में भी माधव है ना। माधव रुक्मिणी की छोटी पुत्र है। हाँ 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 हाँ, रख ले अपने पास। न जाने मेरा माधव कब गूंथेगा मेरी छोटी। ले ये चुटिया, कूद दे मेरी चोटी। तेरे हाथ नहीं है क्या? रुक्मिणी के हाथ नहीं थे क्या? ओ, हाँ हाँ थे थे। चंपा एक काम कर, मेरे लिए जरा सा पानी लिया, मैं फिर तेरी चोटी कूद दूंगा। सच? सच? अभी ले आती हूँ। मजबूर करे नैना तेरे जालमा। ओ जी छोड़ो भी दुपट्टा मेरा जादूगर बालमा। हाँ जी, हाँ जी।
जी तुझे मशहूर करे नैना तेरे जालमा। ओ जी छोड़ो भी दुपट्टा मेरा जादूगर बालमा, जादूगर बालमा। बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपा के, छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से। बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपा के, छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से, ये चांद का टुकड़ा छुपाए से। लो जी नित नहीं छेड़ कर जादूगर बालमा। ना जी हमें मजबूर करे नैना तेरे जालमा। ओ जी छोड़ो भी दुपट्टा मेरा जादूगर बालमा, जादूगर बालमा। जा तो रहा था। फिर गया क्यों नहीं? जाता कैसे, तूने बुला लिया ना। तो अब जाने को कहती हूँ, जा यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तू पहले मेरे दिल से चली जा, मेरी आंखों से चली जा। तेरी आंखों में हूँ मैं। ले देख ले, देख। राजू आज मैंने बहुत अच्छी तस्वीर देखी। मुझे भी तो देखा। हाँ दिखाऊं? हाँ हाँ देख। आप पैर इसी तरह रख के बैठ, मैं बता। और हाथ ला, देखो मुझे दिखा। हाथ इस तरह घुटनों पर रख, बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई रुक्मिणी। हाथ इस तरह घुटनों पर रख, और माखन चूर इस तरह रुक्मिणी की चोटी घुट रहे थे। अब समझी, हमेशा गुंधा करेगा ना। बस यही धंधा किया करूंगा। कहाँ छैला बनकर आज जा रहे हो? देख भेड़ो का तूने मुझे। कौन सा ब्याह कराने जा रहे हो जो शगुन बिगड़ गया? तेरे ब्याह की बात करने जा रहा हूँ। मेरा ब्याह तो होगा बारामन लकड़ियों के साथ, और वो भी चीता में। लकड़ियां भी बबूल की होंगी, बबूल की। आओ चंपा, क्या लाई हो? माधव के लिए मक्खन और रोटी। ठीक है, मक्खन मुझे दे दे और सूखी रोटी माधव को। बड़ा अक्लमंद है माधव, ले खा ले। मुझे भूख नहीं। कभी लगती भी है तुझे भूख? पर मुझे लग रही है ना, ला मैं खा लूं। थोड़ा सा मक्खन खा ले। कहा तो मुझे भूख नहीं। ले चुनी तू खा ले। मजा आ गया। चुन्नू माथो कहाँ गया? मिस्सी रोटी है। माथो कहाँ गया चुन्नू? ताजा है मक्खन। वाह 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 वाह।
चुन्नो। हाँ बोल। मेरा माधो कहाँ गया? भला मुझे क्या खबर, चंपा मजा आ गया रोटी का। राजू, कहाँ जा रही हूँ? बाजार। इस मच्छी में क्या है? माखन। देखो। नहीं नहीं राजू, तू बिना माखन खिलाए नहीं जा सकती। ला। अच्छा मचावत शोर, कभी ना छोड़ू तोरी, ये बैया गोरी गोरी सजनिया का है मचावत शोर। जो चकोरी का चंदा, हम वही हैं तुम्हारे। देखो जी देखो, मेरा भोला सा मनवा, समझे नहीं इशारे। ओ चलिया जा रे माखन चोर, चलेंगे ना ये चोरी, तेरी ये जोरा जोरी। ओ चलिया जा रे माखन चोर। मैं बंसी तू तान, तेरा मेरा साथ पुराना। ओ मैं बंसी तू तान, तेरा मेरा साथ पुराना। मानो ना मानो, तुम्हें दिल की कसम है, अपना हमें बनाना। सजनिया का है मचावत शोर, कभी ना छोड़ू तोरी, ये बैया गोरी गोरी। सजनिया का है मचावत शोर। पहले मेरे दिल की नगरिया मुस्कुरा के बसाओ। जानू ना जानू कैसा दिल है तुम्हारा, पहले दिल तो दिखाओ। रे चलिया जा रे माखन चोर, चलेंगे ना ये चोरी, तेरी ये जोरा जोरी। ओ चलिया जा रे माखन चोर। Thank you.
कितना सुहाना है चांद। मेरा चांद तो मेरे पास है। सच? कितनी हसीन है रात। कल फिर आएगी रात, फिर मिलेंगे इसी तरह। चल तुझे तेरे घर तक छोड़। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं पहुंचा दूंगी राजू को। कौन? चंपा? हाँ। तू कैसे आ गई यहाँ? तुझे ढूंढने चली आई। मेरे घर में आग लग गई। घर में? हाँ, मेरे डेरे में। तेरे डेरे में? आग कैसे लग गई चंपा? तू क्यों पूछती है? तुझे तो खुश होना चाहिए। बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों हो गई? ये खुशी के बाद की खामोशी है। तू क्यों खामोश हो गई? ये तूफान आने से पहले की खामोशी। तूफान? मतलब तो खूब समझती है। क्यों बजा दी है बांसुरी? अपना दिल बहलाने के लिए। मुझे शौक है बांसुरी बजाने का। लेकिन तेरी बांसुरी के सुर ने मेरे जीवन को बेसुरा बना दिया। क्यों बुलाती है तू माधव को? माधव खुद आता है, मैं नहीं जाती उसे बुलाने। क्यों गुथवा दिया है उसने चोटी? इसलिए कि किसी और की चोटी गुंथना नहीं चाहता। ये तुझे अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए चूड़ी पहनाई थी मेरे हाथ में, इसीलिए मुझे बहन कहा था, इसीलिए मेरे गले में लिपटी थी नागन। मैं नागन नहीं, औरत हूँ। अगर तू औरत होती तो एक औरत की खुशी को न छीनती, औरत की तकलीफ को समझती। तुझे मालूम था कि मैं माधव से प्यार करती हूँ। मेरा बाप माधव से मेरी शादी करना चाहता है। ले पहन ले इस चूड़ी को, और इस चूड़ी पहनती है पति के लिए और पहनाती है कुर्बानी के लिए। ले पहन ले इसे, मैं कुर्बानी करूंगी। मैं कुर्बान हो चुकी हूँ। मैंने जब तेरी गाय लौटाई थी तो कुछ मांगने के लिए कहा था। मांगने की जरूरत नहीं, माधव अब यहां नहीं आएगा। मैं माधव से नहीं मिलूंगी, मैं उसे बुलाने के लिए बांसुरी नहीं बजाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, कभी नहीं बजाऊंगी बांसुरी, कभी नहीं। राजू, लक्ष्मी, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, 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 पराई खेत में खा रही है, कोई टांग तोड़ देगा। आ लक्ष्मी, आ लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ जा रही है? सुनती क्यों नहीं? लक्ष्मी, मुझे दुखी न कर, मैं वैसे ही दुखी हूँ। लक्ष्मी, बड़ी तेज दौड़ रही थी ना। इसलिए गिर पड़ी। किसी को पकड़ने के लिए ताकत चाहिए, ताकत। जिसमें ताकत थी उसने पकड़ लिया। मगर तुझे दौड़ने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ चुटकी। चल, तूने अपने मुझे कह दिया। अच्छा, तूने बांसुरी क्यों नहीं बजाई? ये चंपा से पूछ। राजू, राजू, आज तू कैसी बातें कर रही है? आज से पहले करनी चाहिए थी। मैं कुछ नहीं समझा। मैं समझ नहीं। अच्छा है राजू, बात क्या? मेरा हाथ ना पकड़ माधु, मेरा हाथ ना पकड़। और किसका हाथ? चंपा का। चंपा का? ये तू क्या कह रही है? मुझे भूल जा माधु, मुझे भूल जा।
मैं खुद को भूल गया हूँ राजू। मैं भी भूल गई थी लेकिन आप संभल गई। राजू मैं गिर जाऊंगा राजू। संभाल लेगी। तू मुझे गलत समझ रही है राजू। अपनी कसम ना खिला राजू। तुझे मेरी कसम ना तोड़ना। राजू मेरा दिल टूट जाएगा, मेरी हिम्मत टूट जाएगी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। राजू मेरी बात सुन। राजू मैं सुनूंगा तेरी बात। मेरा मैं तुझसे फिर बात करूंगा। मैं तुझे परेशान ऐसे परेशानी दूर कर दूंगा। क्यों वही परेशानी दूर? मीरा हाँ बोल। फिर आएगा कभी इधर? करेगा राजू से बातें? कौन? अब कभी फिर बदमाश इधर आया तो जान से मार दूंगा। तू मुझे बता तो सही किसने तुझे मारा? मैं आंखें निकाल लूंगा उसकी, हाथ तोड़ दूंगा उस बदमाश के। मैं भी तोड़ सकता हूँ लेकिन उस वक्त मेरा दिल टूट रहा था काका, मेरी हिम्मत टूट रही थी, मैं कुछ न कर सका। कौन था वो? आखिर बात क्या हुई? बोल ना माधो। कुछ नहीं, वो भी एक राही था और मैं भी, दोनों एक ही राह जा रहे थे, झगड़ा हो गया। और तुम मार खाकर चलाया? नहीं नहीं काका, मैं मार खाया हुआ था लेकिन मैं उससे बदला जरूर लूंगा। तभी लाखा का शेर कहलाएगा। अगले सोमवार को रामनवमी का मेला है, उस पाजी को कुश्ती के लिए ललकार और उसकी छाती पर बैठकर सारे गांव के सामने उसका खून पी ले, तभी लाखा का सर ऊंचा होगा। चंपा देखती क्या है, माथे पर हल्दी लगा दे और थोड़ी सी दूध में घोल के पिला दे, मामूली सी चोट है। जल्दी कर। ला हल्दी लगा दू। हल्दी तो पूछ दी तूने, लगाई कहां अभी? शायद लगेगी भी नहीं। लगेगी क्यों नहीं? चल लेट जा, चल। बस रहने दे। क्यों? मैं कांटे नहीं चुभा रही। मालूम है, फूल बरसा रही है। दिन तो आने दे फूल बरसाने के। न जाने कब आएगी वो शुभ घड़ी। चल हल्दी लगा दू। मेहरबानी करके तू जाए यहाँ से, मुझे नहीं लगवानी हल्दी। खींची बिल्ली खंबा नोचे, मारा दूसरे ने और नाराज मुझ पर होता है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तूने क्या कहा था राजू से? कुछ नहीं, अपना हक मांगा था। मिल गया? वचन दिया है उसने। और मैं भी वचन देता हूँ कि मैंने जो हक राजू को दिया है उसे कोई नहीं छीन सकता। माधु मैं तुझे प्यार करती हूँ। और मैं राजू को प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, उसका प्यार मेरी जिंदगी का तार है। अगर टूटेंगे तो साथ, और बचेंगे तो साथ।
तेरी पायल की छम छम के गीत रे आया
सुन सुन के परदेसी मित्रे हो आया सुन सुन के परदेसी मित्रे तेरी पायल की छम छम के गीत रे आया सुन सुन के परदेसी मित्रे उन्हें ना कदरा लगा बया गजरा सजा जागे मनवा में सोई सोई प्रीत रे काहे घूंघट में अब शर्माए रसिया सावन के दिन आए आ जाओ रसिया सावन के दिन आए ओ बता करे करे जिया तर पाए ओ रसिया सावन के दिन आए की टोलिया बाहर गांव गया है चौधरी। अबे क्यों झूठ बोलता है, वो गांव में है, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। माधु 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 चौधरी इसे सोने मत दो, हो गया तो जहर नहीं उतरेगा, बीन बजाओ बीन। चौधरी जल्दी से बुलाओ किसी सपेरे को, जल्दी से बुलाओ चौधरी। सपेरे की क्या जरूरत, वो जमुना की छोरी ऐसी बंसरी बजाती है कि ये सांप की तरह झूमता रहेगा। माधु कहाँ है राजू? राजू बांसुरी नहीं बजाएगी चौधरी। वो जरूर बजाएगी। हे भगवान, माधु पर दया कर, उसकी जान बचा दे भगवान, चाहे तू मेरी जान ले ले मगर उसे बख्श दे। वो मेरा न सही चंपा का वो कर दिए, उसे जिंदगी दे भगवान। राजू राजू माधु कैसा है? कसम खाई जाती है, तोड़ी नहीं जाती चंपा, और किसी को दी हुई जिंदगी भी तो नहीं तोड़ी जाती। राजू मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, माधु की
अगर तुझे मेरा ख्याल नहीं तो माधव का ख्याल कर, उसकी जिंदगी खतरे में है, उसे बचा ले राजू, वरना मेरी खुशी लूट जाएगी, मेरे सपनों का महल टूट जाएगा। ढेर पर खड़ी इस तूफान को रोक, तू ही रोक सकती है इस तूफान को। दी हुई चूड़ी अब तक मेरे हाथ में, अगर तोड़ना चाहती हो तो ले, तोड़ दे इसे, तोड़ दे इस चूड़ी को। चंपा, तेरी चूड़ी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी चंपा, चल जल्दी चल, मैं बांसुरी बजाऊंगी, जरूर बजाऊंगी। राजू, मेरे बच्चे की जान बचाइए, इसकी जान बचाइए भगत जी। घबराओ मत लाखा, धीरज रखो, भगवान चाहेगा तो जहर उतर जाएगा। राजू बंद करो बात, नहीं ये कोई बच्चों का खेल नहीं। आओ मंदिर का साप, बोल क्यों काटा इसे, बोल बोल बचता है या नहीं, बोल बोल किस चाट पर क्या कहा, पौड़ी बनाई जाए, पौड़ी में पानी लाया जाए, और क्या चाहता है, जल्दी से बोल, और लाखा बनवाओगे पौड़ी, तू ये बच सकता है। हाँ हाँ मैं बाउड़ी बनवाऊंगा, मैं जरूर बाउड़ी बनवाऊंगा। आप बख्श देखे, क्या कहा, अगर बाउड़ी नहीं बनवाई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुन लाखा। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं बाउड़ी बनवा कर ही जाऊंगा यहाँ से। मंदिर के साथ तेरे बात ने सब कबूल किया है, अब बख्श देखे, बख्श दे। हे भगवान, राजू काका, माधव काका, मेरे बच्चे लाखा, मेरे बच्चे। लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों बजाई उसने बांसुरी, माधव की जान बचाने के लिए। क्या लगता है माधव हमारा, क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा, इंसानियत का, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तू भी माधो की तरफदारी ले रही है, माधो की नहीं अर्ज की, मेरी बेटी ने बुरा नहीं किया, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। ठीक है, मैं आज आखिरी फैसला करने आया हूँ, राजू की मुझसे शादी करोगे कि नहीं। मैंने मना ही कब किया, मैं मना करती हूँ माँ, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। तो फिर किसके साथ करोगी, माधो के? तू ये पूछने वाला कौन होता है, कुंवारी रहूंगी मैं। सुन रही हो ताई? राजू बेटी, मैंने इसकी माँ से वादा किया है, मैं भी वादा करती हूँ उसके साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सुन लिया ताई? तू फिक्र मत कर, मैं समझा दूंगी उसे। समझ गई तो ठीक है, वरना मैं समझा दूंगा, राजी से नहीं तो जबरदस्ती शादी करूंगा। फिर कहिए रे, जबान खींच लूंगी, निकल यहाँ से, नहीं होगी राजू की शादी तुझसे। लेकिन ताई, मर गई ताई, ज्यादा जबरदस्ती कर लेना शादी, तुम तो खामखाई बिगड़ रही हो, तू निकल यहाँ, मेरी बात तो सुनो ताई। राजू, मैंने तुझे कसम खिलाई थी, फिर क्यों आया मेरे पास? तूने भी तो कसम खाई थी, फिर क्यों बजाई तूने बांसुरी?
जिंदगी के लिए। जिंदगी दी है तो जिंदा भी रख राजू, मुझे अपने से दूर न कर। मुझे और कुछ कहने के लिए मजबूर न कर माधो। माधो चंपा तुझे प्यार करती है, माधो तू मेरा नहीं चंपा का है। वीरा तुझे प्यार करता है तो क्या तू वीरा की हो गई? माधो उसका नाम न ले मेरे सामने। माधो मैं तो सिर्फ तेरा नाम लेता हूँ राजू। मैंने तुझसे कहा था ना चंपा मेरी बहन है, मैं उसे भाई की तरह प्यार करता हूँ। मगर माधो वो तो ऐसा नहीं समझती। गलती वो कर रही है और उसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता राजू। माधो माधो तुम यहाँ व्यापार करने आए हो या गांव की लड़कियां भगाने? क्या मतलब? मतलब साफ है, माधो सांप के कांटे से बच गया लेकिन गांव के कांटे से नहीं बचेगा। क्या बात है वीरा? मतलब साफ है। क्या है वीरा? वही पुरानी बात, जाकर देख ले अपनी आंखों से। राजू के साथ रंगलियां मना रहा है, मोहब्बत के गीत गा रहा है। लाखा उसे समझा देना वरना मोहब्बत की बजाय मौत से खेलना पड़ेगा। गांव की बहू बेटी तुम्हारी बहू बेटी है लाखा। कहाँ है माधो? राजू के खेत पर। चुन्नू बाबू काले बाबू माधो को पकड़ के लाओ। अच्छा चुन्नू मैं लाती हूँ बुलाकर। नहीं जाओ उसे घसीट के लाओ मेरे सामने, उसके हाथ में तोड़ के लाओ मेरे सामने, जाओ। अच्छा क्यों गई? बड़े अच्छे लग रहे हैं ये गुलाब के फूल तेरी चोटी में। ए तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जा तू कोई हाथ में डाले चली बटला तो लाखा ने पकड़ा। माधव लाखा ने बुलाया तुझे, तुम जाओ मैं आता हूं। माधव हमारे साथ चल और बिगड़ेगा लाखा। चल राजू तू जा। क्यों कहते खेत पर? मेरी बात का जवाब दे, जो मिलता राजू से सबके सामने ना, सबके सामने बताना पड़ेगा। जवाब दे जो मिलता राजू से। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तू कौन शादी करने वाला? मैं करूंगा तेरी शादी, मैंने तय कर रखी तेरी शादी। मैंने तो सिर्फ लड़की पसंद की है। जुबान बंद कर। तेरे बाप ने लड़की पसंद की थी, चंपा को मांगा था उसने, चंपा का रिश्ता किया था मैंने तुझसे। लेकिन काका मैं चंपा से शादी नहीं कर सकता। नालायक बेहया मेरी मर्जी के खिलाफ चलता है, यही सुनने के लिए पाला था तुझे, इसीलिए अपनी जायदाद का वारिस बनाया तुझे। मुझे जायदाद का नहीं अपने प्यार का वारिस बनाओ काका, मेरी जायदाद तुम्हारी सेवा है, मेरा फर्ज है। काका मैंने तुम्हारे साये को बाप का साया समझा है, तुम्हारी गोद को माँ की गोद समझा है। काका मैंने भी बाप बनकर तुझे छाती से लगाया था और हमेशा यही सोचा था कि मुझे बेटा मिल गया, मुझे बेटा मिल गया। काका मैंने भी हमेशा यही सोचा है कि मुझे बापू मिल गए, मेरा बाप जिंदा है। काका मैंने चंपा को बहन की नजर से देखा है। अगर तूने ये ना सोचा कि इसने तुझे किस नजर से देखा है, इसने क्या समझा है तुझे, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तूने किसी छोकरी के फंदे में फंसकर मुझे धोखा दिया है तो मैं इसे भुलावे में न रखता, दुनिया को ये ना कहता फिरता कि मैं चंपा की शादी माधव से करूंगा। नालायक तूने मेरी बच्ची को धोखा दिया है, जा जिसे चाहे शादी कर ले, किसी के भी साथ वो काला कर ले, जा निकल जा यहाँ से। काका खबर दादी मुझे काका कहा तो। बापू इसे माफ कर दो। लाखा बापू इसे माफ कर दो, बेटा समझकर माफ कर दो। नहीं ये मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है, बाजारों की इज्जत का दुश्मन, ये बाजारों में रहने काबिल है। जा चल जा, जा निकल जा यहाँ से। काम बंद करो, मैं कहता हूँ काम बंद करो, नहीं बनेगी ये पौड़ी, नहीं बनेगी ये बॉडी। क्या बात है लाखा, बॉडी नहीं बनेगी। लाखा तुमने बॉडी बनाने की कसम खाई, तोड़ दी है मैंने कसम। काय कसम तोड़ा करते हैं लाखा, तुम
बंजारे हो, अपनी बात के पक्के हो। तुमने पंचों के सामने वायदा किया था, माधो की जान बचाने के लिए वचन दिया था, लेकिन माधो ने मेरे सीने में तीर मारा है। तुम्हारे गांव की लड़की ने मेरी बेटी के अरमानों को लूटा है, उसकी उम्मीदों का खून किया है। मैं ये बाउडी नहीं बनाऊंगा। बंद करो ये काम बंद करो। ऐसी बच्चों को सी बातें कर रहे हो नाथा? अरे यहाँ बंद करो ये काम। मैं बाउडी नहीं बनाऊंगा, मैं बाउडी नहीं बनाऊंगा। माधु तुम्हारा बच्चा है, अल्लाह गलती हो ही जाए, उसकी शादी चंपा से नहीं करें तो सो राजू से शादी। राजू की शादी तो वीरा से तय हो चुकी है। मैं वचन देता हूँ कि बाउडी में पानी आते ही राजू की शादी वीरा से हो जाएगी। अब वो कभी नहीं मिलेगी माधो से। कहो तो खून से लिख दूं, तुम्हारे सामने होगी राजू की शादी वीरा से। अगर ना हुई तो? ना हुई तो राजू के गर्दन के साथ साथ अपनी जबान भी कटवा दूंगा। क्या कहते हो? ठीक कहता हूँ लाखा। काम जारी रहेगा। लाखा बेटी, लाखा बेटी। बंजारे हमारी जात के नहीं, बिरादरी के नहीं, क्यों जाती है राजू उनके पास? अब नहीं जाएगी चौधरी। जाएगी ही नहीं, घर से पांव निकालने की जरूरत नहीं। तेरी इज्जत, मेरी इज्जत, सारे गांव की इज्जत। ठीक है चौधरी। बस तो आज से उसका घर से आना जाना बंद। रही खेती की, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। जो कुछ भी होगा तेरे घर आ जाएगा। तुम्हारा ही सहारा, जो जी में आए करो। मैंने लाखा को वचन दिया है कि बौड़ी में पानी आते ही वीरा से शादी कर दूंगा राजू। मुझे क्या इतराज है, तुम्हारी लड़की है, कुछ भी करो। अच्छा तो राम राम, कुछ काम हो तो बुलवा लेना। Thank you.
माधु, माधु। राजू तू आ गई। तेरे कसम मछली की तरह तड़प रहा था दिल्ली। और मैं पिंजरे में पंछी की तरह तड़प रही थी तुझसे मिलने के लिए। तू इतने दिन से आई क्यों नहीं? गांव वालों ने मजबूरी की ताले डाल दिए मेरे पैरों में। फिक्र न कर राजू, एक दिन ये सब ताले टूट जाएंगे। अब तो सांस ही टूटेगा मेरा। तावड़ी में पानी आते ही मेरे गले में फांसी डाल दी जाएगी। क्या मतलब? गांव वाले मीरा के साथ शादी करेंगे मेरी। तेरी मर्जी के खिलाफ? और उसकी मर्जी की कौन परवाह करता है? और तेरी माँ को भी ये मंजूर है? मेरी माँ भी दुश्मन बन गई। और तू किसी की दुश्मन नहीं बनी? चंपा तू यहाँ क्यों? मेरा आना बुरा लगता है? हाँ। और इसका? तू जानती है? जानती नहीं, जानने आई हूँ। क्यों आई तू यहाँ? ऐसे ही जैसे तू आ गई। मैं तो अपने मंगेतर के पास आई हूँ। मैं अपनी देवता के पास आई हूँ। खबरदार जा, इसके पैरों पर हाथ लगाया। हट जाए कहीं से। चंपा ये तू क्या बोल रही है? मैं ठीक कह रही हूँ। क्या हक है इसे तेरे पास आने का? जो हक पुजारी को होता है देवता के पास आने का, मैं जरूर आऊंगी, जरूर मिलूंगी। मैं तेरी जान ले लूंगी। चंपा माधव के लिए जान देने की भी खुशी होगी मुझे। चंपा तू जा, मैं तुझे लेने आई हूँ और लेकर जाऊंगी। ले जा, मगर याद रख तू इसे मेरे दिल से नहीं ले जा सकती, मेरी आंखों में से नहीं ले जा सकती। ये हमेशा मेरे पास रहेगा, हमेशा। राजू जरा ठहर, फिर मिलूंगी। राजू, राजू मैं कल को तेरा इंतजार करूंगा, यहीं इसी वक्त इसी जगह। मैं भी यहीं मिलूंगी, इसी वक्त इसी जगह। क्या है वीरा? चौधरी कोई चोर मालूम होता है। क्या बात है वीरा? जमुना तेरे घर में चोर घुसा है। चोर नहीं चौधरी, मैं तो जग रही थी। ताई मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कहती हूँ यहाँ कोई नहीं आया, वो मैं ही थी। राजू ऊपर है? उसी के पास से तो आ रही हूँ। चलो चौधरी तुम्हें यूं ही शक हुआ होगा। ताई जरा आजकल जागती सोया करो। चलो वीरा चले। राजू, राजू दे जाए अपनी बूढ़ी माँ की इज्जत। ऐसे न कहो माँ, फिर कहाँ गई थी इतनी रात को? बोलती क्यों नहीं? मेरी नाक काटने गई थी ना, माधव से मिलने गई थी ना। हाँ, उसने मुझे बुलाया था और मैंने मना किया था। हजार बार कहा था बेटी अपने खानदान का ख्याल कर, अपने मरे हुए बाप की पगड़ी की इज्जत, मेरे बुढ़ापे में धूल न झोंक। कमबख्त माधव को मिलने से पहले मेरा गला क्यों नहीं घोट गई तू? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ। राजू मैं विधवा हूँ, बड़े दुख से पाला है मैंने तुझे। मेरा ख्याल न सही तो जात बिरादरी का ख्याल कर, गांव वालों की तरफ देख। लाखा ने वचन दिया है अगर राजू माधव से नहीं मिलेगी तो मैं बावड़ी बनवा दूंगा। कितनी जरूरत है गांव को पानी की। मैंने चौधरी से कहा था, अपने मन से कहा था, गांव वालों के लिए राजू को बलिदान कर दूंगी, राजू की खुशी का गला घोट दूंगी। माँ मैं तेरी बात रखने के लिए अपनी खुशी का गला घोट दूंगी, गांव वालों के लिए खुद का बलिदान कर दूंगी। मुझ पर यकीन कर माँ, मैं अब कभी नहीं मिलूंगी माधव से, कभी नहीं मिलूंगी। राजू मेरी बेटी। माधव, ओ माधव। चुन्नू माधव कहाँ है? चुन्नू दारोगा नहीं है चंपा, जो हर वक्त नजर रखेगा। गया होगा राजू से मिलने। राजू से मिलने? उससे मिलने जाना, माँ से मिलने जाना।
तू घबरा मत चंपा, माधव गांव के अंदर नहीं आ सकता और राजू गांव के बाहर नहीं जा सकती। फिर कहां गया होगा? मुझे क्या मालूम, मैं होता तेरी जगह तो रस्सी डाल देता पांव में, बंदर की तरह नचाता। जा, शादी करने से पहले ये सीख कि औरत मर्द को कैसे काबू में रखती है। अबे तू क्या हंसता है, तू तो चंपा से भी गया गुजरा है। मैं होता तेरी जगह तो नुकेल डाल देता राजू की नाक में। बच्चू जा, शादी करने से पहले ये सीख कि मर्द औरत को कैसे काबू में रखता है। सुनो चंपा, माधो मेरी जेब में नहीं रखा, यहीं कहीं गया होगा। अच्छा, अच्छा। क्यों बचाया मुझे? तुमने क्यों बचाया? अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना डूब जाता। डूब जाता तो अच्छा। तो देखो था। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। नहीं मैं जाती। हो रामा हो। मारो जोवन है यो, हो 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 रामा हो। जिंदगी भर जपब तो हर नाम ए मोरा साईं बाबा। जिंदगी भर जपब तो हर नाम ए मोरा साईं बाबा। हे 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 रामा हो, रामा हो।
नहीं मोरा काम कछु रुपया से पैसा ए मोरा साईं बाबा ये जग सुनाए मोरा साईं बाबा रुपया से पैसा ए मोरा साईं बाबा हे 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 रामा हो रामा हो खर्च करना बेकार है, बावड़ी में पानी नहीं आ सकता। चौधरी, मैंने तो पैसा खर्च करने में कभी नहीं की। अब गांव मेरे ख्याल में बावड़ी और खुदवानी चाहिए। जब पाताल ही दिखाई देने लगा तो और खोदने से फायदा। चौधरी, मेरे ख्याल में तुम्हारे नसीब में पानी नहीं है। पानी आएगा, जरूर आएगा। पानी आएगा? कैसे आएगा माधो? अब तक चुप क्यों था? बता, कैसे आएगा पानी? मैं ला सकता हूँ पानी। उपकार नहीं भूलेंगे हम तेरा माधो। किसके बहकाए में आ गए चौधरी? ये मिस्त्री से भी ज्यादा अकलमंद है क्या? ला दे पानी, तेरे सर पर ही पगड़ी बांधेंगे। चुप क्यों हो गया? ला कर दिखा पानी। नहीं, पानी नहीं आएगा, मैं नहीं लाऊंगा पानी। माधु, जाने की बात चौधरी, वो पागल क्या लाएगा पानी? मेरा मन कहता है लाखा, उसे जरूर कोई भेद मालूम हो गया। हाँ मालूम है, तुम भी गीदड़ों के बहकाए बेर खाने की सोच रहे हो। फिर भी पूछना चाहिए उनसे। अगर माधु को भेद मालूम है तो वो जरूर बताएगा, वो जरूर पानी लाएगा। राजू, मैं बहुत बड़ी आशा लेकर आई हूँ तेरे पास। अब तो मैं तेरे माधु के पास नहीं जाती, उसके पास चलना है तुझे। जख्म पर नमक न छिड़क चंपा, अब तो मैं तेरे रास्ते से हमेशा के लिए दूर हट गई। इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। बोल, क्या चाहती है? भीख? मेरे पास क्या रखा है? जो था दे दिया। मैं और भी कुछ मांगने आई हूँ। क्या? मेरी जान, मेरा बलिदान? हाँ, तेरा बलिदान अभी अधूरा है। तू चाहे तो बावड़ी में पानी आ सकता है, तू ही गांव वालों को पानी दे सकती है। मैं समझी नहीं। तू माधव को समझा दे, उसे पानी लाने का भेद मालूम है, तेरे कहने से ही वो बावड़ी में पानी लाएगा। मैं नहीं कह सकती। गांव वालों को प्यासा मार सकती है, उनकी जिंदगी तबाह कर सकती है, मेरे सुख को लूट सकती है, मगर माधव से कुछ नहीं कह सकती। किस मुंह से कहा था मुझे चूड़ी पहनाते हुए? ये औरत चूड़ी पहनती है पति के लिए और पहनाती है कुर्बानी के लिए। ले तोड़ दे इसे अपने हाथों से, रंग अपने हाथों को मेरे खून से। चूड़ी पहने रा, मैं कहूंगी माधु से। तो चल मेरे साथ। वो बैठा,
माधु। राजू मैं यही सोच रहा था तू जरूर आएगी अपने माधु के पास। माधु मैं तुझसे दूर जाने के लिए आई हूँ। नहीं राजू, अब तुझे कोई मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। मैं सारे गांव को मजबूर कर दूंगा तुझसे मेरी शादी करने के लिए। मैं तुझे मजबूर करने आई हूँ माधु। बोल राजू बोल, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? मेरी बिनती मानेगा? बिनती? बिनती नहीं राजू, हुक्म कर। हुक्म कर, तेरे लिए तो मैं अपना खून भी बहा दूंगा। खून तो मैं बहाऊंगी माधु, तू सिर्फ पसीना बहा दे मेरे। हाँ बोल राजू बोल, क्या कहती है? वचन दे पहले। मैं वचन देता हूँ राजू, मैं वचन देता हूँ। बावड़ी में पानी आने का भेद बता दे या बावड़ी में पानी ला दे। राजू तूने मेरी जान क्यों ना मांग ली? बावड़ी में पानी आते ही तू वीरागी हो जाएगी। ये तूने क्या किया राजू? तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? किसके लिए जिंदा रहूंगा? माधु अपनों के लिए सभी जीते हैं, तू दूसरे के लिए जी, दूसरे के लिए जिंदा रह, मुझे भूल जा। ये नहीं हो सकता राजू, मुझसे ये नहीं हो सकता। मुझे यही करना होगा माधु। ये प्रेम नहीं, मौत है, मौत राजू। यही असली प्रेम है, प्रेम बलिदान चाहता है, तू अपनी खुशी का बलिदान कर दे। बावड़ी में पानी लाकर गांव वालों की दुआ ले और चंपा से शादी करके तू सुख की जिंदगी बिता माधु। और तू? मैं तेरा ही ध्यान किया करूंगी, मीरा बनकर मैं अपने माधु का भजन किया करूंगी। राजू तू मुझे जहर का प्याला पिला रही है। दूसरों की भलाई के लिए जहर पीना अमृत पीना है माधु। ठीक है, तू यही चाहती है तो जहर को मैं अमृत समझकर पी जाऊंगा। यकीन कर राजू, बावड़ी में पानी लाकर ही दम लूंगा। और मैं सबसे पहले उस पानी से तेरे पैर धोऊंगी और तेरे पैरों की पूजा करूंगी मैं माधु। राजू माधु मैं जब तक जीऊंगी तेरा नाम लेकर जीऊंगी माधु। वो चंपा आ गई। क्यों, क्या कहा माधु ने? वो पानी लाने को तैयार है। फिर क्या देर है? एक शर्त पर। राजू से शादी करने की? हाँ। ये नहीं हो सकता। हाँ यार, किस नहीं हो सकता? तो पानी भी नहीं आ सकता। चंपा ये तू कह रही है? माधु माधु नहीं, मैं कह रही हूँ बापू। चंपा ये तू क्या बक रही है? तुझे कुछ होश भी है या नहीं? बेहोशी दूर हो गई बापू, अब मैं होश में हूँ। चौधरी अगर पानी चाहते हो तो राजू की शादी माधु से करनी पड़ेगी। माधु की शादी तेरे साथ होगी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। लाखा चंपा भी उससे शादी करना नहीं चाहती, माधु भी नहीं चाहता, फिर क्यों उन्हें मजबूर करते हैं? ठीक तो कहता है चिलू। तो क्या राजू से कर दू उसकी शादी? क्या हर्ष है, मैं ये नहीं होने दूंगा चौधरी, मैं भी ये नहीं चाहता वीरा। माधु चंपा, राजू कोई खिलौना नहीं कि कभी किसी के हाथ में पकड़ा दो, कभी किसी के हाथ में सौंप दो। चौधरी मैं पानी लाऊंगा लेकिन राजू से शादी करने के लिए नहीं, राजू की बात रखने के लिए। यहाँ से बावड़ी तक एक बहुत बड़ी सुरंग है, उसे साफ करना चाहिए। वो सुरंग इस पहाड़ी के अंदर अंदर बावड़ी तक बनी हुई है। बावड़ी में पानी न आने की सिर्फ ये वजह है, या तो झील का पानी नीचे उतर गया है या सुरंग का मुंह बंद हो गया है। मेरा ख्याल है अगर इस पहाड़ को काटा जाए तो बावड़ी में फिर से पानी आ सकता है। पहाड़ी काटना कोई बच्चों का खेल है? चौधरी ये तो पागल हो गया पागल। हाँ, बिल्कुल। और क्या, पागलों के सर पर सिंह होते हैं क्या? झील कहाँ और बड़ी कहाँ? थोड़ा थोड़ा पागल हो गया चौधरी, वरना हिमालय पहाड़ काटने को कहता। चौधरी मैं सच कहता हूँ, इस पहाड़ को काटने से अब भी बावड़ी में पानी आ सकता है। तो ले आ बेटा, राजा भागीरथ गंगोत्री पहाड़ से पानी लाए थे, तू इस पहाड़ी से बावड़ी तक पानी ले आ, राजा भागीरथ की पदवी तुझको दे देंगे। पानी जरूर आएगा, मुझे सिर्फ गांव वालों की मदद चाहिए। अबे क्यों इन लोगों को झांसा दे रहा है? मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। भाइयों ये तुम लोगों को पानी का लालच देकर राजू को फांसना चाहता है, राजू से शादी करना चाहता है। वीरा तू मुझे गलत समझ रहा है, मैं बावड़ी में पानी लाऊंगा लेकिन राजू से शादी करने के लिए नहीं, राजू की बात रखने के लिए। तो ले आ बेटा, तेरी बात भी रख लेंगे और राजू से तेरी शादी भी कर देंगे। चुप, बोले मुंह संभाल के बात कर। वीरा गवार है तू भी, अरे ना नौमन तेल होगा ना राधा जी नाचेंगी। अगर नौमन तेल हो गया तो नाचेगी राधा जी? जरूर, अगर माधु पानी ले आया तो राजू की शादी कर दूंगा माधु से। चौधरी वीरा घबराता क्यों है, इसका पीर भी पहाड़ नहीं काट सकता, लाके दिखा पानी। लेकिन मैं अकेला कर ही क्या सकता हूं? अरे शादी तो अकेला करेगा राजू से। चलो भाइयों क्यों अपना काम खोटा कर रहे हो?
कैसे काटेगा माधु अकेला पहाड़? खाना खाया तूने? मुझे भूख नहीं है। कल भी तो नहीं खाया था? माधु ने भी तो नहीं खाया होगा। कहाँ जा रही हो? माधु को रोटी देने। खबरदार जो वहां गई तो। वो भूखा होगा। मर लेगा उसे। राजू तू आ गई? माधु ये क्या हो गया? माधु क्यों कहा मैंने तुझे पानी लाने के लिए? मेरी मोहब्बत में जोश भरने के लिए। नहीं नहीं, मेरे प्यार को अमर करने के लिए राजू। बेरहम दुनिया का दिल रखने के लिए, तेरी जान के दुश्मनों के प्यार बुझाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं तुझ पे कुर्बान कर दूंगी माधु, मगर तुझे इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुझे भूखा प्यासा मरने नहीं दूंगी। चल तू मेरे साथ माधु, चल चल माधु, चल चल तू मेरे साथ। मैं भी साथ चलूंगा माधु, माधु वीरा तेरे साथ चलेगा। बाहर करना बंद कर दे माधु, इस तरह जान ना दे दूं। तू जिंदा रहना, वीरा जिंदा रहना।
बावड़ी के रास्ते माधव को मिलने जाती आओ मेरे साथ। काले राजू को गांव ले चलो, माधव को भी ले चले, होश में लाएंगे। नहीं मरने दो यहीं। वीरा, हमें इसकी जिंदगी की जरूरत है। यार बकते हो चौधरी। बकता नहीं हूँ, ठीक कहता हूँ। हम इसे बचाएंगे तो ये हमें बचाएगा। इसने सुरंग का पता लगाया है, पानी जरूर लाएगा ये। जल्दी जल्दी। लाखा बापू, मैंने कहा था ना कि माधव पानी लाएगा और जरूर लाएगा। बेटा हो तो ऐसा जो बाप की इज्जत रखे। अब तो इस पहाड़ को बारूद की सुरंग लगाकर ही तोड़ा जा सकता है। मैं जल्दी ही काम शुरू कर दूंगा। बहुत अच्छा बेटा। आ राजू, आ तू भी मेरी मदद कर।
चौधरी। लाखा, चंपा शहीद हो गई अपने गांव के लिए, अपने प्यार के लिए। लाखा, हाँ, अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए। अब मुझे उसकी लाश तो पकड़ने दो चौधरी, उसे सुहाग तो नहीं दे सका हूँ, उसे आग तो दे सकूं। चंपा, चंपा, लाखा, चंपा, चंपा, चंपा शहीद हो गई। राजू, ये तेरी सुहाग चूड़ी। मैंने कहा था ना, मैं इस चूड़ी को तेरी अमानत समझकर रखूंगी। ले, अब इसे लौटाती हूँ। चंपा, तू सचमुच चंपा कहती थी। तू अपनी महक से दूसरों को सुखी बनाकर सूख गई। तू धन्य है चंपा कहती, तू धन्य है।